नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के ग्राम बिठली में आयोजित बैठक में सभी ग्रामवासियों ने गणेश भगवान की कसम खाई और किसी भी चुनाव में वोटिंग नहीं करने का निर्णय लिया है और साथ में देवगांव महदोली के ग्रामीणों द्वारा भी चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कल शाम 6 बजे महदोली और रात्रि 8 बजे देवगांव में सभा का आयोजन किया गया है और दिनांक 25 सितंबर 2018 दिन मंगलवार को तीनों ग्राम के युवा महिलाओं के साथ चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय और पत्र जन सुनवाई में कलेक्टर श्री डीवी सिंह जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महदोली में सभा को संबोधित किया गया और रपटा निर्माण की प्रतिक्रिया में शामिल होकर सर्वसम्मति से चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। लोकसभा के, विधानसभा के, सरपंच के जो इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, हमें ऐसा एक मक्कार प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथ ना दे। चाहे पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसे प्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए जो हमारे दुख के दिनों में हमें साथ ना दे। मैं चाहता हूँ कि यदि ये हमारा काम नहीं कर सकते तो आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव का हम सब मिलकर बहिष्कार करेंगे। अंशु मिश्रा उम्र 22 वर्ष पुत्र माता प्रसाद मिश्रा को शिव मंदिर के सामने कुंवरपट्टी निवासी निहाल पांडे पुत्र सुविदार ने अपने चचेरे भाई नागेश पांडे पुत्र लाल पांडे के साथ मिलकर गोली मार दी, जिसमें अंशु मिश्रा को 6 राउंड गोली मारी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा जानकारी, निहाल अवैध असलहों का कारोबारी भी है जो कि पुलिस प्रशासन को उसके घर से मिला भी। मौके पर SP जमुना पार दीपेंद्र चौधरी, CO मेजा उमेश शर्मा, थाना प्रभारी गजानंद चौबे, मेजा रोड चौकी और सिरसा चौकी इंचार्ज राकेश राय और कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों और परिवारजन द्वारा आरोपी की बोलेरो को आग के हवाले किया। बीते दिनांक 14 सितंबर 2018 श्री कृष्ण स्वरूप पुत्र श्रीदेव राम निवासी बन्ना थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ने अपने भाई विजय उर्फ कुमार पाल उम्र 45 की गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में दिनांक 14 की रात अभियुक्ता दीक्षा किन्नर और चंदन पड़ोसी सौरभ निवासी गण पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद 3 अज्ञात के विरुद्ध थाना रामगढ़ पर मुकदमा धारा 302-120B पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और 19 सितंबर 2018 को प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ फिरोजाबाद ने पुलिस टीम ने हत्या में नामजद और प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को साथ ही रोड मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त गणों के कब्जे में घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा, 300 बोर का कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के घर के पास रहने वाला 22 वर्षीय युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद बच्ची उसी के साथ वापस भी लौटी लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं बताया। घर पहुंचने पर जब उसकी मां ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तो बच्ची ने आरोपी द्वारा वारदात करने की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि आरोपी को पीड़िता चाचा कहती है और उसका अक्सर उनके घर पर आना जाना है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में आरोपी का कहना है कि उसने बच्ची के साथ कुकर्म भी नहीं किया है बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई है जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और 376 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जोर से बोलना, क्या नाम है, कहाँ रहता है? यही तेरी मोहल्ला। क्या किया तूने? मामा अब पता चली कैसे क्या किया बता। वही तो पूछे, क्या किसकी लड़की थी? राम है? कैसे करके उसको बुलाया था तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था उसके साथ? क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बकरी चरा रहा था। बकरी चरा रहा था और रात ही हुआ हमको देख लिया उन दोनों ने, मोहल्ले की 2 औरतों ने भी देख ली तो उन्होंने बता दिया कि ये अपने साथ उल्टी हरकत करके जी लेके आया। कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्ची करीबन 6-7 साल। 6-7 साल। कहाँ पे बकरी चराने गए? वहीं कहाँ पे? घर के ऐसे पास, घर के ऐसे बगल की नरवा है ना, वहीं एक दिन से नहीं चला रहा है। दिनांक 18/9/18 के 4 बजे करीब
उसकी माँ घर में थी, बच्ची खेल रही होगी अन्य बच्चों के साथ, तो खेलते खेलते वह उसने बच्चे को बहला फुसला कर ले जा लिया झाड़ी तरफ, 100 मीटर करीब घर से नाला तरफ। इसके बाद इन लोगों कुछ देर बाद तलाश किए, बच्ची कैसे नहीं आई 6 बजे करीब, 6-7 बजे, तो मोहल्ले के लोगों के साथ तलाश करने लगे कहाँ के बच्चे को ढूंढ रहे थे। इतने में वो लड़के के साथ ही बच्ची आ रही थी, तो लाए उसको डांट डपट की लड़के को। इसके बाद तत्काल तो कुछ नहीं बचाई बच्ची ने, परंतु कुछ देर बाद कुछ दर्द हो रहा है ऐसा कुछ बोली उसने बच्ची ने, तो इन्हें पूछा फिर रात्रि में बच्ची से, तो ये बात बताई सारी सर, चर्चा किए। फिर दूसरे दिन फिर इन्हें मोहल्ले में चर्चा किए, रिपोर्ट वपोर्ट तो नहीं आई, इन लोग पूछा कि क्यों नहीं आए, तो बोले शर्मिंदगी के कारण नहीं आ रहे थे। फिर कल आए लड़के भाई को भी बोला, मैंने भी डांट डपट किया, कल आने पर इनकी रिपोर्ट पर अपराध पत्र जमा किया गया। जबलपुर संस्कार धानी में एक ऐतिहासिक कौमी एकता की मिसाल कायम हुई। मुहर्रम की 9 तारीख को शहर जबलपुर में जगह जगह सजावट और लंगर तस्कीम किया गया था, जिसमें दोनों कौमों के भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शहर जबलपुर को कौमी एकता की मिसाल दी। नया मोहल्ला सदर मंडी मदार टेकरी में शानदार सजावट का मंजर देखने काबिल था। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी से जगह जगह पर नजर बनाए रखी। आज मुहर्रम की 5 तारीख है। ये मरहूम रमजान बाबा नया मोहल्ला जबलपुर पे उनके फूलों की सजी टिपारी कचहरी दरगाह पर सलामी देने पहुंची और वहां से सलामी देकर अपने मकाम पर वापस हुई। मुजावर सोनू बाबा नया मोहल्ला जबलपुर। जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह मुहर्रम मनाया जाता है, शायद दुनिया के कोने में नहीं मनाया जाता। इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पर हमारे हज़रत इमाम अली मकाम शुहदाए करबला और उनके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरे हिंदुस्तान को आबाद रखना। यहाँ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। इसलिए मैं एक शेर बोल रहा हूँ कि बेकार है ये झंझट मजहब व मिल्लत के, अरे हिंदू हो या मुसलमान बंदे हैं सब उसे के। तो हजरात मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तानी सजी पर कौमी एकता का जो फूल खिला है वो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, क्योंकि वो अरब में थे, पूरे मुसलमानों के प्रमुख थे, मगर वो हमेशा हिंदुस्तान के हक में दुआ करते थे, इसलिए हिंदुस्तान का पूरे ऑल वर्ल्ड में। आज झांसी के ऋषभ होटल में प्रगति रथ संस्था द्वारा आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आर्ट गैलरी में कई कलाकारों द्वारा पेंटिंग सजाई गई, जिसे बड़ी संख्या में आए लोगों ने देखा। संस्था के संस्थापक और सचिव डॉक्टर संध्या चौहान ने बताया, संस्था गरीब तबके के लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका देता है, इसी के तहत आज आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि हर कलाकार के अंदर कुछ न कुछ अनूठी प्रतिभा होती है और उसी सोच को वो उसे अपनी पेंटिंग में उभारता है। इंटरनेट के युग में आज भी हाथों से बनाई गई पेंटिंग अपने आप में विशेष महत्व रखती है। एक चित्रकार अपनी पेंटिंग के माध्यम से ही समाज को बड़े बड़े संदेश देता है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रगति रथ को, उन्होंने हमारे नवोदित चित्रकारों को एक मंच उपलब्ध करवाने का काम किया। निश्चित रूप से चीज़ें छोटे से ही बड़ी होती है। वो चित्रकार हमारे जिनके मन में विचार सुंदर थे, अपनी पेंटिंग भी बनाते थे, क्योंकि चित्रकार का समाज को देखने का अपना नज़रिया होता है, चीज़ों को देखने का अलग से नज़रिया होता है। और चित्रकार जैसा आनंदपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति, मनमौजी व्यक्ति, जिसे अपने काम में ही आनंद आता हो, चीज़ों को देखने का नज़रिया ही अलग सा हो, ऐसे चित्रकारों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से। हमारी संस्था का नाम प्रगति रथ है। हम लोग पिछले 6 साल से समाज के पिछले वर्ग को, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कलाकार, मैं कलाकारों को इस श्रेणी में इसलिए खड़ा कर रही हूँ क्योंकि आज जो कलाकारों की दशा है हमारे समाज में वो भी उपेक्षित ही है। कला है, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सबके सामने अपनी कला को प्रदर्शित कर सके, और समाज ने भी उनकी तरफ एक बड़ा उपेक्षित सा नजरिया अपना रखा है कि हम जानते हैं व्यक्ति सक्षम है, उसको मौका मिलना चाहिए प्रदर्शन का, लेकिन लोग उन्होंने उपेक्षित कर रखा है, इसलिए वो भी हम उन्हें भी आज पिछड़े या निगलेक्टेड वर्ग में ही गिन रहे हैं। तो
हमारी जो संस्था है वो पिछले 6 साल से ऐसी कोशिश में लगी हुई है जो कि पिछले वर्ग हैं समाज के, हम उनको एक विकास धारा से जोड़ सकें, उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें, कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकें जहाँ हम जैसे अगर हम आज की ही बात करें म्यूजिशियन की, तो हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म शोके देख पाएँ जहाँ वो अपनी जो भी उनके आर्ट पीसेज हैं उनको शोकेस कर सकें, लोग आए देखें उनकी प्रतिभा को समझें पहचानें। ज्ञात हो कि दो दिन पूर्व मामला प्रकाश में आया था जो ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम खमतरा फॉरेस्ट क्षेत्र पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लैटेराइट से भरे 2 हाइबा और खनन करने वाली पोकलिन मशीन जब्त की गई थी, जिसके ऊपर माइनिंग और वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसकी चोरी होने की रिपोर्ट डिप्टी रेंजर द्वारा ढीमरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नरसिंहपुर जिले में किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा के नारे लगाए और शिवराज सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान जिले की जनता को आवागमन में भारी असुविधा हुई और फसल का मूल्य तय करो भावांतर योजना का दाम नहीं मिला, गन्ने के मूल्य नहीं मिला, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हम किसान हैं सरकार ही बदल देंगे। शिवराज सरकार के विरुद्ध किसानों में जमकर गुस्सा देखने को मिला। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम सरकार का विरोध करते रहेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नरसिंहपुर जिले में किसान संघ एकजुट दिखा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नरसिंहपुर के जनपद में विशाल सभा का आयोजन भी किया, जहां पर कि किसान नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को सबक सिखाने के लिए भी कहा। विशाल जनसंख्या को देखते हुए लगा कि नरसिंहपुर जिले का किसान हैरान परेशान हो चुका है, ना तो प्रशासन ना ही जनप्रतिनिधि कोई भी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं रहता। सभी लोग किसानों को आश्वासन देते हैं मगर जब साथ देने की बात आती है तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन किसानों को ठेंगा दिखा देते हैं। किसानों ने आज अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखी, किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं किया। यह हमारा संगठन का नारा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला नरसिंहपुर और प्रदेश स्तर में हमारा संगठन का नारा है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ होने चाहिए और जो भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र के 5 नंबर बिंदु पर लिख कर दिया था कि हम किसान को उसकी लागत पर 1.5 गुना मूल्य देंगे और वो दे नहीं रहे हैं। हम सरकार को चेताने आए हैं कि अगर किसानों के हित में अगर अब बात नहीं हुई तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या संभावना है, कितने किसान एकत्रित हुए हैं, कितने वाहन आए हुए हैं? नीमच पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने लूट की घटना के संदर्भ में आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 अगस्त को दोपहर में स्टेट बैंक मनासा से 1,60,000 रुपए निकालकर जा रहे सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी प्रभुलाल सालवी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक बैग छीनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस लंबे समय से गहनता से जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करने पर उक्त घटना में 3 व्यक्तियों के शामिल होने की बात सामने आई है। तीनों ही आरोपी पूर्व में भी विभिन्न अपराधों में लिप्त रह चुके हैं जो कि विभिन्न जिले में सजा काट रहे थे और जमानत पर बाहर आए थे। बताया गया कि उक्त घटना में लाल मोहम्मद उर्फ लाल पिता रशीफ मोहम्मद 21 साल निवासी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ की जेल में रहकर आ चुका था। दूसरा सद्दाम हुसैन पिता इस्माइल खान उम्र 28 साल निवासी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ ये भी उदयपुर की सेंट्रल जेल में रहकर आ चुका है और वर्तमान में जमानत पर था। तीसरा आरोपी होशियार खान हकीम खान उम्र 31 साल निवासी बड़ी सादड़ी वो भी उदयपुर जेल में बंद रहकर आ चुका था और पूर्व में लूट की घटना में शामिल था। आरोपियों को गिरफ्तार करने में मनासा पुलिस टीम की भूमिका रही। 3 सातर लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये 3ों सातर लुटेरे छोटी सादड़ी चित्तौड़ के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने 9 वारदातें करना अभी तक कबूल किया है। इसमें हमारी नीमच की एक बड़ी महत्वपूर्ण वारदात जो लगभग 25 दिन पहले मनासा में घटित हुई थी, इसमें हमारे रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर के 1,60,000 रुपये जब वो बैंक से लौट रहे थे निकलवा के पैसे तब लूटे गए थे, वो पैसे रिकवर हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में लगातार वारदातें की हैं। अभी 10 सितंबर को उन्होंने अजमेर में भी एक लूट की वारदात घटित की थी। इसके अलावा ये जनवरी और फरवरी में अब जेल से रिहा हुए हैं, उसके पहले भी 1 दर्जन से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आज गांव सालमगढ़ बांसवाड़ा रोड पर शिवदल मित्र मंडल द्वारा स्थित गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े गणेश उत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया।
जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष अपने अपने घर से दीपक लेकर आई थीं और गणपति जी की महाआरती करने का पुण्य मिला। उसके बाद सभी लोगों द्वारा गरबा नृत्य कर गणेश जी को प्रसन्न किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित पृथ्वीराज मीणा, वनवासी कल्याण परिषद जिला मंत्री रमेश मीणा, पूर्व महासचिव चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप कॉलेज होमलाल मीणा, चौधरी मित्र मंडल आदि मौजूद था और कार्यक्रम का आयोजन शिवदल मित्र मंडल के दीपक मीणा, अल्पेश आहारी, चंद्रशेखर मीणा, राहुल आहारी, विकास मीणा, गौरव मीणा आदि की उपस्थिति में हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मुहर्रम का समापन हुआ और पुलिस के पुख्ता इंतजाम रहे। जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पर्व मुहर्रम पर शाहपुरा में ताजिया और सवारी का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सवारियों द्वारा संपूर्ण नगर में भ्रमण किया गया, जिसे देखने दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। बालाघाट जिले की बारासवनी तहसील में आज शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय से थाने तक पैदल रैली निकाली। इस दौरान एबीवीपी के सैकड़ों छात्र छात्राएं नारे लगाते नजर आए और छात्रों की मांग थी कि महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का ज्यादा दखल है। हाल ही में महाविद्यालय के परिसर में एक छात्र को जातिगत गाली गलौज करते हुए इसकी बेल्ट से पिटाई करने का मामला भी सामने आया है, जिसका आज छात्र छात्राओं ने थाने में जमकर अपना विरोध दर्ज किया है। इस दौरान भाजपा के युवा नेता संजय सिंह की भी उपस्थिति नजर आई। अब देखना होगा कि प्रशासन छात्रों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है। आखिर क्या कुछ मांग रखी छात्रों ने, देखते हैं अजीत मिश्रा के साथ अमित फुलमारी की एक रिपोर्ट। उसमें विगत कई दिनों से जो है प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें असामाजिक तत्व जिनका एडमिशन नहीं है उनका आना जाना निरंतर चालू था, जिसमें राहत देना एक अनिवार्य बात है क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके भाई बहन आना निश्चित है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से और छात्रों की दृष्टि से अभी भी वर्तमान में असामाजिक तत्वों का आना जाना, उनको भड़काना, मतलब पीने खाने के बाद लोगों को आगे भ्रमित करना, इस तरीके का जो कार्य था निरंतर जारी था। उसके बाद पिछले 20 तारीख का विषय है ये कि हमारा एक जो छात्र है नगर मंत्री। नरसिंहपुर जिले की जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष साले चौका पुलिस के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी कि हवलदार रमेश शर्मा द्वारा गांजा, सट्टा, दारू, जुआ जैसे अवैधानिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों से और पुलिस बल से जानकारी पता की तो मालूम हुआ कि प्रार्थी बादामी लाल का लड़का शराब पीकर घर में झगड़ा करता है और मरने की धमकी देता है, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने साले चौका उप थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस बल से तुरंत गिरफ्तार करने के लिए भी कहा, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है क्योंकि बादामी लाल का लड़का अत्यधिक शराब के नशे में धुत था। इसलिए साले चौका पुलिस में पदस्थ हवलदार रमेश शर्मा ने पुलिस बल को भेजकर स्थिति का जायजा लिया और सुबह तक इंतजार करने के लिए भी कहा, जिससे कुपित होकर शिकायतकर्ता ने साले चौका पुलिस के विरुद्ध जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नन्नवीर माधव। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं बसुरिया में रहता हूँ। साले चौका पुलिस में रमेश शर्मा जी जो कि हवलदार हैं, इनसे आप परिचित हैं? नहीं सर, कोई भी परिचित नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं इनसे कोई मतलब ऐसा कोई अभी तक कोई वो नहीं हुआ। आपके ग्राम बसुरिया के कुछ लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई के दौरान एक आवेदन दिया है कि आर के शर्मा, रमेश शर्मा, गांजा, शराब, सट्टा इन सब चीज़ों में लिप्त हैं और ये सब अवैध कार्य करवा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है चलता यहाँ पे, ना कोई ऐसा कोई करते हमारे साहब, सब बढ़िया कार्य व्यवहार चल रहा है यहाँ पे। और वो लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो अवैध रूप से जो कारोबार चलवा रहे हैं। मालवीय जी, ऐसा तो नहीं है आप किसी दबाव में बात? नहीं नहीं सर, कोई दबाव नहीं है मेरे पास, मैं तो निष्पक्ष आदमी हूँ, मेरा कौन सा दबाव करना। तो ये कहना पूर्णतः गलत है कि साले चौका पुलिस द्वारा गांजा, सट्टा, दारू ये बिकवाया जाता है या करवाया जाता है और रमेश शर्मा इसमें लिप्त हैं? नहीं है सर। हमारे सांसद साहब जहाँ है दारू, गांजा, जुआ, सट्टा ये बंद होना चाहिए। दारू की दुकान हमारे गांव में होना भी नहीं चाहिए। तो आपने वहां पर पुलिस चौकी साईखेड़ा में आवेदन दिया? पुलिस चौकी साले चौकी में आवेदन देते हैं, हमने रिपोर्ट भी करी, FIR भी कटवाई, मगर हमने सुनते भी नहीं है। पुलिस वाले रोड तक आते हैं, बसुरिया के किनारे से लुट के भग जाते हैं। बिकवा कौन रहा है आपको ये जानकारी है क्या? हाँ साहब जानकारी। बताइए आप कौन बिकवाता है? नंदा कुमोड़ा का नाम है आपको? दीपक। तो दीपक नंदा एहरवार मेहरा।
तो इनको आप पुलिस चौकी में बताते कि ये लोग बेचते हैं? हाँ सर बताते। तो पुलिस क्या बोलती है? पुलिस बोलती है हम आ रहे हैं, आता ही नहीं है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती? नहीं करती है। तो दारू साहब ऐसे बिक रही है तो हम तो रह नहीं पा रहे घर। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने आपसे क्या बोला? कलेक्टर साहब ने एसपी साहब की जो भेजे थे। एसपी साहब से आपने मिले? हम एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने जा कह हमसे तुम जाओ मैं आज ही बंद करवा दे रहा हूँ। मंगलवार के दिन जन सुनवाई में ग्राम बसुरिया से कुछ लोगों ने आवेदन किया है कि आपकी चौकी से जो आपके हवलदार जी हैं शर्मा जी ये अवैध कारोबार में लिप्त हैं। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? वर्मा जी हमें शिकायत मिली है कि आपके साले चौक चौकी में जो शर्मा जी पदस्थ हैं रमेश शर्मा जी ये कुछ अवैध कार्य करवा रहे हैं जैसे गांजा या शराब। क्या आप इन चीज़ों को कुछ जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? नहीं ये सब झूठ है। वे इस मामले में कोई नहीं कुछ नहीं करते। कभी भी जब भी हमने देखा उनको रोड पर हमेशा गाड़ी से भ्रमण करते हैं मैंने देख रेख करते हैं मार्केट में बस्ती में। हाँ मतलब आपका कहना है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी तक ही संबंधित हाँ, मतलब रखते हैं। बाकी ये सब गलत है उनकी जो गलत शिकायत की है। जो सुनने में आया है कि जिन लोगों ने शिकायत की है वे लोग थोड़े से ऐसे ही हैं? हाँ वो लोग सब गलत हैं। ये जो उनकी शिकायत कर रहे हैं उनके व्यवहार उनको देखे नहीं जा रहे इसलिए वो सही व्यवहार करते हैं। वर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे कि शासन द्वारा कार्रवाई उन पर होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हम भी यहाँ आते हैं जाते हैं वो अच्छे व्यवहार करते हैं हमारे साथ भी जो कुछ काम है। आप आते जाते हो क्या काम करते हो? हमारे इसलिए हमारे एक दो जमीन विवाद चल रहे हैं तो हमारा आना जाना लगा रहता है इसलिए उनने हमारे साथ भी कभी ऐसा नहीं किया तो हम उनके विषय में गलत नहीं किया। दतिया में 3,44,00,000 रुपए की लागत से बुंदेला कॉलोनी का मुख्य मार्ग बनाया जाएगा। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने भूमि पूजन किया। आरसीसी सड़क के निर्माण से राहगीरों और कॉलोनी वासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव दांगी सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।